अतीक और अशरफ इस दुनिया में नहीं है, लेकिन दोनों की करतूतें आज भी जिंदा हैं। कई लोग ऐसे हैं जो आज भी जबरन हड़पी गई संपत्ति को पाने की आस लगाए हुए हैं। सूरज कली उर्फ जयश्री अतीक और अशरफ के आतंकी आवृत्ति सुनाते हुए आज भी रो पड़ती हैं, लेकिन न्याय की उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। 1989 में इनके पति को अगवा कर 12.5 बीघा जमीन हड़प ली गई थी। अतीक अहमद ने इनकी जमीन बेचकर 200 लोगों को उस पर बसा दिया था, लेकिन तत्कालीन राजनीतिक रसूख और अतीक के हनक ने इनकी एक नहीं चलने दी। समाजवादी पार्टी की सरकार है, शासन प्रशासन देख रहा है, तो वो इनका मुकदमा थाना धूमनगंज में दर्ज नहीं होने दिया। जयश्री ने बताया कि 2016 में उन पर और उनके बेटे पर ताबड़तोड़ गोलियां खुद अतीक और अशरफ ने चलाई थी। अस्पताल में भी अतीक का खौफ था, जिसकी वजह से वो वहां से भाग निकले। दोनों को मार डाला गया, लेकिन न्याय की आस अब तक इनकी जिंदा है। मेरी ससुराल है, माँ पिता के यहाँ से इन्हें डोली आती है, ससुराल से अर्थी जाती है। तो सूरज कली जी थी जो बात करते करते बेहद भावुक भी हो गई थी, और जिस पर गुजरता है वही जानता है कि क्या हुआ था।